सब तो ठीक है, लाइट्स क्यों नहीं ऑन हो रही है तुम लोगों की कैमरे की? ओके हाँ जी बोलिए. सबसे पहले तो आपको बनारस से आ रही है, देखा बनारस से आते हैं कैसे लग रहा है नॉर्थ इंडियन फूड, अब मुंबई में आ गया है, दिल्ली है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए अभी तो काफ़ी साल हो गए हैं बॉम्बे में, और बॉम्बे की खाना खाते खाते इतनी बोरिंग सी लाइफस्टाइल हो गई है कि लगता है कि कोई ऐसा रेस्टोरेंट आए बॉम्बे में जो नॉर्थ इंडियन स्पाइस लेकर आए. एंड आई एम सो ग्लैड दैट आई एम हियर टुडे, बिकॉज ऑब्वियसली आई रियली लुक फॉरवर्ड कि यहाँ पर कुछ ऐसा खाने को मिल जाए जो कि हमें अपनी नॉर्थ की याद दिला दे. अभी मेरी कुछ देर पहले उनसे बात हो रही थी, मुनाली से मेरी बात हो रही थी, और कनिका भी मुझे यही बता रही थी कि यहाँ पर हमें ऑथेंटिक पानी पूरी मिलेगी, छोले कुलचे मिलेंगे, और हलवा नगौरी मिलेगा. तो मैं तब से ही उनकी बातें सुन सुनकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है, और मुझे लग रहा है कि बस जल्दी से मैं खाऊं और जल्दी से मुझे वो ऑथेंटिक खाना मिल पाए जिसमें कि नॉर्थ इंडियन स्पाइसेस हों. पानीपुरी गोलगप्पे, क्योंकि पता है आपको बॉम्बे में मिलता ही नहीं है, अच्छा मिलता ही नहीं. हम कहीं भी जाते हैं तो उसमें इतना ज़्यादा उसको सोफिस्टिकेटेड कर दिया जाता है कि उसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो चली ही जाती है. तो वी एंड अप हैविंग बिस्लेरी वाटर इनसाइड. सो ऑब्वियसली आई लुक फॉरवर्ड, आई वॉन्ट इट टू बी डिफरेंट एंड विथ लॉट ऑफ नॉर्थ इंडियन स्पाइसेस. सो लेट्स सी, आई विश कि उसके अंदर वो मूंग ना हो, वो छोले हों जिसके लिए हम नॉर्थ इंडियन गोलगप्पों को एंजॉय करते हैं. सो आई रियली लुक फॉरवर्ड टू ईट. ओके, अगर आप दिल्ली जाते हो या नॉर्थ इंडिया कभी जाते हो तो कौन सी रेस्टोरेंट में आप जाना पसंद करते हैं और वहाँ पे क्या फेवरेट चीज़ खाते हैं? देखिए मैं बनारस की हूँ तो बनारस की जलेबियाँ बहुत मशहूर हैं, पान बहुत मशहूर है, वहाँ की सब्जियाँ और कचौड़ी, गली की कचौड़ियाँ बहुत पसंद है. वहाँ जाते ही मेरी डाइटिंग की, मतलब मैं सोचती भी नहीं हूँ डाइटिंग करने के लिए. तो ऑब्वियसली बनारस में ऐसा कोई बहुत बड़ा रेस्टोरेंट तो नहीं है जहाँ पर आप बैठें और खाएं, लेकिन वहाँ के जो स्ट्रीट फूड आप जिसे कहते हैं वो आपको ऑथेंटिक खाना वहाँ पर मिलता है. और आज भी हम काशी में जितनी भी जगह है, जितने भी घाट हैं वहाँ पर जाते हैं और वहाँ बैठ कर आराम से खाते हैं, चिल करते हैं, क्योंकि वो मेरा घर है. तो ऑब्वियसली घर पर आप ऐसे ही होते हो, बिल्कुल रिलैक्स. सो या दैट्स होल थिंग अबाउट इट. एंड आई एम सो हैप्पी कि अगर यहाँ दिल्ली हाईवे में हमें कुछ ऐसा मिल गया जो कि वहाँ का यू नो ऑथेंटिक खाना लेकर आएंगे, तो आई थिंक मोर ऑफन आप मुझे यहाँ देखेंगे. जी जी, आपको शायद पता भी होगा कि नागिन के थर्ड सीज़न के लिए मुझे कंसिडर भी किया गया था. आई वॉज इन, मेरा नाम दो तीन टॉप थ्री नेम्स में भी था और काफ़ी न्यूज़ में भी आया था. तो मुझे इस बात से बहुत खुशी है कि एटलीस्ट लाखों की भीड़ में आई वॉज इन टॉप थ्री, मेरा नाम एकता मैम ने कंसिडर किया. ठीक है इस बार नहीं हो पाया, कोई बात नहीं. मेरा मानना ये है कि लाइफ में कोई बहुत बड़ी चीज़ अगर नहीं होते होते नहीं हुई है, इसका मतलब ये है कि आप उससे भी ज़्यादा कुछ बहुत अच्छा डिजर्व करते हैं. सो आई एम ग्लैड एंड आगे भी कुछ अच्छा ही होगा. नागिन थ्री, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई बीन ट्रैवलिंग. मैं कोलकाता में थी, आप मेरा स्टेटस देख सकते हैं, मैं झूठ नहीं बोल रही. मैं देख ही नहीं पाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मैम इसके अलावा नागिन थ्री में इसमें जो भी कास्ट है टोटली न्यू देखा जाए, कुछ भी होल कास्ट एक भी नहीं जाने, उसका कुछ खास रीज़न? देखिए वो आपने बताया वैसे मुझे सजेस्ट किया गया था, लेकिन बाद में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई. नहीं कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होगी. देखिए जो डेस्टिनी में होता है वही होता है, आप कुछ उसको आप जो भी रीज़न दे दो, लेकिन अगर जो लिखा है वो तो होकर ही रहेगा. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अनीता, करिश्मा एंड सुरभि, दे आर वेरी टैलेंटेड गर्ल्स. दैट्स द रीज़न व्हाई दे हैव सर्वाइव्ड इतने सालों से इंडस्ट्री में, दे आर सर्वाइविंग एंड दे लुक स्टनिंग. सो आई एम श्योर वो अच्छा ही होगा. पर्ल भी पूरी जो है वो मेरे काफ़ी अच्छे मित्र हैं और वो भी इस बार नागिन में आए हैं और अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं देख नहीं पाई, आई एम रियली सॉरी. वरना आपको मैं सच बताती अच्छा है या बुरा, लेकिन आई एम श्योर अच्छा ही होगा. आप लोग बताइए, अच्छा कैसा लग रहा है आप लोगों को? थैंक यू सो मच. दिस इज़ अ ज़ारा न्यू कलेक्शन विच आई एम वेयरिंग टुडे. आई थिंक माई वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव बैग जो है रिसेंटली बॉट, क्योंकि मुझे लगा कि अपने बर्थडे में मैं हर साल अपने आप को कुछ ना कुछ गिफ्ट करती हूँ, तो इस बार मैंने ये बैग अपने आप को गिफ्ट किया. तो या एंड दिस इज फॉर एवर 21 यू नो दिस थिंग एंड या आई एम वेयरिंग फैशन.
like both the types actually. To be very honest, मुझे ऐसा लोग कहते हैं कि मेरे ऊपर इंडियन कपड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं ऑन स्क्रीन, बट पर्सनली इफ़ यू आस्क मी, हम इतना ज़्यादा वैसे कपड़े पहनते हैं ऑन स्क्रीन पे, सो दैट यू नो यू एक्चुअली बिकम बोर्ड. सो मुझे ऐसा लगता है कि आई शुड वेयर समथिंग विच इज़ नॉट माई स्क्रीन इमेज. So yeah, these clothes are very comfortable. You can just be yourself and then you know you can just pose. So yeah. इसके अलावा मैं finally देखा जैसे फिर आपको सब के लिए. रेश्त्री का फिल्म. Okay. Okay. Who? अरे रेश्त्री फिल्म में रिलीजिंग ऑन. Yes. How much excitement? I'm very very excited. मुझे इसका गाना बहुत पसंद है. एक बार baby selfish होके. What is the lyrics? I don't know. But I love this. I love this song. This is so important in your life to be selfish and to love yourself. तो इस गाने का जो मुद्दा है वो बहुत अच्छा है और आजकल मेरी सुबह शाम में सुनती रहती हूँ. अभी फिलहाल मुझे I don't know why I'm not getting the lyrics, but I'm very bad in it. But yeah, I love this song and I really look forward. और मम्मी पापा के साथ देखने वाली हूँ. मैंने ये डिसाइड किया है कि रेस 3 मम्मी पापा के साथ देखूँगी और 17th या 18th को देखूँगी. 15th और 16th को नहीं देखूँगी क्योंकि बहुत भीड़ होगी. थैंक यू सो मच गाइज. दिल्ली हाईवे में दूसरी बार आ रही हूँ एंड आई हैव बीन टू क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस एंड ऑनेस्टली द फूड हियर इज़ अमेजिंग. एकदम दिल्ली का स्वाद आता है. दिल्ली जाने की भी ज़रूरत नहीं है. तो आई थिंक दिल्ली हाईवे इन मुंबई इज़ द बेस्ट थिंग फॉर ऑल द मुंबईकर्स. ओके, आप कितने फूडी हैं? कितने फूडी हैं? सो सम पीपल से दे लिव टू ईट. Some people say they eat to live. I live to eat because I absolutely love food. So, and mujhe especially North Indian khana, Punjabi khana bahut pasand hai. So that's why I love this place, Delhi Highway. And isliye main aayi bhi hoon because ekdam jaise maine kaha, Delhi jaane ki zarurat nahi hai. Mumbai rehkar hi Delhi ka swaad mil jata hai. Okay, aaj aap kya kya khane So Delhi Highway has been one of my favorite places since a very long time, and now that I know that they have started this new Purani Delhi ka Zaika menu, which is supposed to be flavors from old Delhi, jo Purani Delhi ka jo breakfast menu hai, jo breakfast mein wahan pe log khate hai, wo similar menu, same items, cheeze yahan pe abhi serve hogi. So I am very excited to try the food here. Thank you.